हेलो दोस्तों, स्वागत है टाटा आईपीएल के नेक्स्ट मैच में। गाइज ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, गए देखो ये मुकाबला सैटरडे का, देखो यार डे वाला मैच है। मतलब यार देखो ये मैच ना डे के दोपहर में 3:30 बजे खेला जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइज बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। देखो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी की है। लास्ट 4 मैच की अगर मैं बात करूँ तो देखो दिल्ली अपनी 3 मैच जीती है, केवल एक ही मैच हारी है, ठीक है। तो देखो भाई अगर आप टीम बनाने जाते हो तो आपको भाई ऐसा लगेगा कि मुझे 11 प्लेयर की जगह भाई हमें अपनी टीम में 15 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। मतलब देखो काफी बड़ा कंफ्यूजन वाला मैच है। अब देखो भाई जो मैच जितना कंफ्यूजन वाला मैच रहता है, देखो वो मैच उतना ही बड़ा बोनस मैच रहता है, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों टीमों के बीच जो पहला मैच हुआ था, देखो वहां भी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। बट देखो यार वो मुंबई की होम पिच थी, अब देखो भाई ये दिल्ली की होम पिच रहेगी। तो गाइस आइए जानते हैं इस मैच में हमारी टीम क्या रहेगी। और देखो भाई स्मॉल लीग में ना आपको ज्यादा नहीं भाई, आपको 1-2 प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना है। और अगर आप भाई रिस्क लेना आप सीख गए तो भाई आप देखो किसी भी लीग को आसानी से क्लीन स्वीप कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले गाइस हम लोग बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की। देखो भाई दिल्ली कैपिटल्स की ग्राउंड ना, यहाँ की बाउंड्री डायमेंशन काफी छोटी होती है। छोटी बाउंड्री होने के कारण गाइस यहाँ पर क्या है कि बल्लेबाज काफी अच्छे खासे रन बना देते हैं। यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था दिल्ली का और जीटी का, देखो भाई वहां पर दिल्ली ने 4 रन से जीटी को हराया था, ठीक है। तो भाई देखो यार काफी बढ़िया बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और गाइस यहाँ पर क्या है कि चेज ऑलमोस्ट रन हो जाती है। अब देखो भाई आईपीएल ऐसा मैच हो गया है, ठीक है, कि भाई हर मैच में 200 प्लस रन बनते ही बनते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा बैट्समैन को ज्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। तो भाई पहले हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे स्मॉल की टीम इस मैच में क्या रहेगी और हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे परफेक्ट ऑप्शन इस मैच में क्या क्या है, ठीक है। देखो भाई पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर विकेट कीपर सेक्शन से। देखो भाई विकेट कीपर सेक्शन में हमारे लिए है ऋषभ पंत, ईशान किशन, साई होप और अभिषेक पोरेल। अब देखो जिसमें से अगर आप स्मॉली खेलने वाले बंदे हो तो आप यहाँ पर आंख बंद करके पंत और ईशान किशन को अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेना। देखो भाई इन दोनों के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि गाइस ये आपको और रन के साथ आपको ये गाइज विकेट कीपिंग से कैच आउट स्टंपिंग और आपको ये रन आउट के अलग अलग पॉइंट भी आपको ला कर देंगे। तो देखो भाई अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो आपके लिए दोनों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर केवल एक प्लेयर साई होप के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। बैटिंग ऑप्शन की बात करूँ तो भाई को बैटिंग ऑप्शन में हमारे पास चॉइस रहने वाले सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, उसके अलावा गाइज यहाँ पर लिटिल चैंप और हमारे मोटे भाई पृथ्वी शो, टीम डेविड, जैक फ्रेसर, मागरूक। अब देखो भाई इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है। देखो इनमें से क्या है कि आपको सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और गाइस देखो आपको अभी के लिए जैक फ्रेसर मागरू को अपनी टीम में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपनी टीम में रखना है तो आपको रोहित शर्मा को लेना होगा, फिर आप यहाँ पर चाहो तो ट्रिस्टन स्टब्स के साथ आप देखो जा सकते हो। तो भाई देखो अभी के लिए हमारी टीम में 5 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर हो गए, ठीक है। गाइस बात करें यहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में ज्यादा नहीं, गाइस देखो 2 प्लेयर के ऊपर आप थोड़ा सा क्या है कि लक आजमा सकते हो। अक्षर पटेल जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा और उसके अलावा गाइस आपके लिए हार्दिक पांड्या अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपके लिए देखो आप हार्दिक पांड्या के प्लेस पर आप इस मैच में मोहम्मद नबी को भी आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मोहम्मद नबी भी इस मैच में आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो भाई देखो बॉलिंग ऑप्शन में यहां पर जसप्रीत बुमराह जो कि देखो ये फर्स्ट इनिंग में हो चाहे सेकंड इनिंग में हो, भाई देखो आपको ये दोनों इनिंग में विकेट निकाल कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर चॉइस रहने वाले हैं कुलदीप यादव। बाकी दोस्तों उसके अलावा देखो भाई हमारे पास चॉइस रहेंगे यहाँ पर गिलाड कोटजे, खलील अहमद और देखो लिटिल बिट आप देखो नोकिया को भी अपनी टीम में थोड़ा सा देखो आजमा सकते हो, ठीक है। बाकी देखो अभी के लिए मेरा सेफ ऑप्शन यहाँ पर कुलदीप यादव है। अगर आपको टीम में भाई अपनी टीम में देखो नोकिया को लेना है या फिर अगर आपको अपनी टीम में मुकेश कुमार को लेना है तो आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन लाइक ट्रिस्टन स्टब्स को आप ड्रॉप करके आप यहाँ पर चाहो तो नोकिया को या फिर आप चाहो तो मुकेश कुमार के साथ भी आप देखो जा सकते हो, ठीक है। दुआई ये हमारी टीम बन के रेडी हो गई। देखो भाई इस टीम के साथ आप 2 मेंबर 3 मेंबर और आप देखो आप हेड फॉर हेड तक भी आप किसी भी लीग को ज्वाइन कर सकते हो। भाई देखो सबसे बड़ा हेडक है ना कि इस मैच में हमें कैप्टन वाइस कैप्टन कीजे करना है। देखो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, सूर्य कुमार यादव है, जैक फ्रेसर मागरू जैसा भाई बैटिंग कर रहा है भाई अलग लेवल की बैटिंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अक्षर पटेल लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट ला कर दिया था। उसके अलावा गाइज विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत और ईशान किशन, दोस्तों देखो लॉट्स ऑफ चॉइस है हमारे पास कि हमारे टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है। इसके अलावा देखो भाई हार्दिक पांड्या और बुमराह भी आपके लिए अच्छे चॉइस हैं। देखो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आपके टीम का ये देखो वीसी अक्षर पटेल काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको ये क्या है कि बैटिंग बॉलिंग आपको ये दोनों से पॉइंट लाकर देने वाला प्लेयर है। इसके अलावा अगर कैप्टन के लिए जाना चाहते हो तो देखो भाई सूर्य कुमार यादव काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा देखो अगर आप विकेट कीपर सेक्शन से जाना चाहते हो तो फिर आपके लिए ऋषभ पंत और ईशान किशन भी काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। देखो ये दोनों के साथ क्या है कि ये आपको देखो बैटिंग के साथ आपको ये कैच आउट के प्लस में आपको ये स्टंपिंग के और आपको ये रन आउट के भी एक्स्ट्रा पॉइंट करके देने वाला है। तो देखो अभी के लिए मेरा यहाँ पर अक्षर पटेल वाइस कैप्टन रहेगा। देखो कैप्टन अभी के लिए मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ या फिर आप देखो हार्दिक पांड्या के साथ भी आप भाई जा सकते हो, ठीक है। और भाई देखो यार ये अभी के लिए यार हमारी स्मॉल लीग टीम बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गई। भाई देखो जिस टीम के साथ आप जाकर भाई किसी भी आप स्मॉल लीग को आसानी से क्लीन स्वीप कर सकते हो, ठीक है। बाकी भाई देखो यहाँ पर
भाई देखो, फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल टॉप पर। तो भाई मेरे जाकर ज्वाइन करो, मेरी आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट आपको मैं सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं भाई मेरे जुड़ना मत भूलना, ठीक है? बाकी हाँ भाई, अगर लिंक से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको यहाँ पर सर्च करना होगा @SLCMTeam। आप जैसे ही ऐप टेलीग्राम ऐप को ओपन करके आप ये सर्च करते हो भाई, देखो आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल का देखो आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों देखो, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपसे भाई को वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो को आप क्या कर दो फटाफट से लाइक। आपका यार देखो प्यार, सपोर्ट, समर्थन मिलता है तो हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपसे भाई को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।